किसान बंधुओं नमस्कार। प्याज एवं लहसुन समाचार के सातवें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार, आप सभी का स्वागत करता हूं। इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से। आज की किसान सलाह में जानेंगे खरीफ प्याज की खड़ी फसल के बारे में। अगर निरंतर वर्षा होती है तब अतिरिक्त पानी ठीक तरह से बाहर निकलने दे, ताकि काला धब्बा रोग के प्रकोप से प्याज के पौध को बचाया जा सके। रोपाई के बाद शेष बची नत्रजन की पूर्वरित मात्रा 3 समान भागों में 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद ही देनी है। यदि 3 दिन लगातार वर्षा होती है और सापेक्षिक आर्द्रता 85% से अधिक है या बादल छाए हुए हैं, तो काला धब्बा रोग के रोकथाम के लिए बेनोमिल का 0.2% की दर से छिड़काव करें। भूरे और बैंगनी धब्बा के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपोकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर फफूंदनाशक का छिड़काव सुबह या शाम अदल बदल कर करें, और साथ ही उसमें 0.5 मिली लीटर प्रति लीटर स्टिकर डालना ना भूले। थ्रिप्स का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में किसान भाइयों 15 दिनों के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। रोपण के 40 से 60 दिनों के बाद निराई करें, जिससे कि खरपतवार भी निकल जाते हैं और मिट्टी हल्की हो जाती है। रोपण के 45, 60 एवं 75 दिनों के बाद पत्तों पर 5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव करें। पछेती खरीफ प्याज की पौधशाला तैयार कैसे करें? किसान बंधुओं, सबसे पहले मौसम के अनुसार सही किस्म का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। पछेती खरीफ के लिए हमारे संस्थान ने अच्छे उत्पादन देने वाली कई प्रजातियां विकसित की है, जैसे कि भीमा राज, भीमा रेड, भीमा सुपर, भीमा शक्ति, भीमा शुभ्रा। इन किस्मों का बीज आप संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टर में रुपाई के लिए पौध प्राप्त करने हेतु लगभग 5 किलोग्राम बीज को 0.05 हेक्टर में बोकर पौधशाला तैयार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी है, जिससे कि कीट के कोष और खरपतवार के बीज सूर्य का प्रकाश से नष्ट हो जाए। खेत की 3 से 4 बार जुताई करें और क्यारिया तैयार करने से पहले पिछली फसल के बचे हुए अवशेष, खरपतवार और पत्थर खेत से निकाल दें। अच्छी तरह से सड़ी हुई आधा टन गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय 0.05 हेक्टर में डाल दें। पौधशाला के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और सुविधा के अनुसार लंबाई की उठी हुई कैरिया तैयार करनी है। बीज बोने से पहले नत्रजन, फास्फोरस और पोटैश का 2:1:1 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर की दर से डालने की आवश्यकता होती है। पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद 30 मिली पेंडामिथिलिन 10 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करें। यह खरपतवार को उगने से पूर्व ही नष्ट कर देता है। बुवाई से पहले बीज का उपचार थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। यह मृदा जनित रोगों से पौधों को बचाने में सहायता करते हैं। आर्द्र गलन रोग से पौधों को बचाने या स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी उपयोग कर सकते हैं। बीज को 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर के अंतर पर कतार में बोना है, और बुआई के बाद बीज को महीन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दे और फिर हल्के पानी का छिड़काव करें। पानी टपक या
फव्वारा सिंचाई के माध्यम से दें। बुवाई के 20 दिनों के बाद हाथ से निराई करें। निराई के बाद 2 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर की दर से नत्रजन डालें। मर्रोग जैसे मृदाजनित रोगों के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल एवं मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर कवकनाशी के घोल से जड़ों के पास मिट्टी को तर करें। पत्तों पर भूरा धब्बा रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल या ट्राइसाइक्लाजोल 1 मिली ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल का छिड़काव करें। थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा दिखने पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर की दर से पत्तों पर छिड़काव करें। आज की विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार दगड़खैर से लहसुन के औषधीय गुणों के बारे में। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा डॉक्टर राजकुमार दगड़खैर, मैं अन्न तंत्र ज्ञान विषय में यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारा संस्थान राष्ट्रीय प्याज और लहसुन संचालनालय जो है पुणे के राजगुरु नगर में स्थित है, वहाँ से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। और आज का विषय जो है, जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ, वो है प्याज और लहसुन के अपने आरोग्य के लिए, अपने तबीयत के लिए क्या कुछ फ़ायदे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानेंगे। तो सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय खाद्य संस्कृति में प्याज और लहसुन का एक अनन्य साधारण महत्व है। हमारे घर में सुबह का खाना और शाम का खाना जो भी बनता है, उसमें प्याज और लहसुन अलग अलग पकवानों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्याज है और लहसुन है, इसका जो हम सीजनिंग के तौर पे या फिर किसी फ्राइंग में यूज़ करते हैं, तो पूरे घर में जो है उसकी खुशबू फैल जाती है। और उसी खुशबू के साथ जो है बहुत बार हम ये महसूस करते हैं कि हमें भूख सी लगी है। तो ये जो उसका उसमें जो चमत्कारी घटक है, जिसके चलते हमें भूख का एहसास होता है और हमें खाना जो है बहुत हम बिल्कुल हम अच्छी तरीके से उसको जो है हम उसका उपभोग ले सकते हैं। तो हम जानेंगे कि प्याज और लहसुन कैसे हमारे ज़िंदगी में, हमारे आरोग्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो पहली बात अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो वो है अपनी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस। तो प्याज और लहसुन में जो प्रीबायोटिक सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका महत्व ये होता है कि हमारे पेट में जो है कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं। तो उनका वहाँ पर अपने इंटेस्टाइन में रहना, आंतों में रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके चलते वहाँ पर जो है एक अलग तरीके का इकोसिस्टम बनता है। उस इकोसिस्टम के चलते हमारे आंतों में या डाइजेशन सिस्टम में जो है अलग अलग प्रकार के अभिक्रियाएं और प्रोसेसेस घटित होती है। उसके बाद है एलर्जी से बचाव करता है। अलग अलग प्रकार की एलर्जीज होती है, जैसे खुजली है, सूजन है, या फिर रैशेस जो हो जाते हैं। तो ये पाया गया है संशोधन में कि अगर हम नियमित और हर रोज़ की खाने में अगर प्याज और लहसुन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपने शरीर को, अपने बॉडी को जो है हम एलर्जी से थोड़ा दूर रख सकते हैं। उसके साथ अपना जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब को जो है, वो प्याज और लहसुन का नियंत्रित सेवन और रेगुलर सेवन जो है अगर हम करते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि जो सल्फर कंपाउंड्स जो इसमें प्याज और लहसुन में प्राप्त होते हैं, तो उनका एक कैपेसिटी होता है, उनका एक कार्य होता है। वो कार्य ये होता है कि वो अपने वेंस और आर्टरीज को जो है फ्लेक्सिबल रखते हैं। उसके बाद अपने शरीर में जो इन्फ्लामेशन और पेन जो होता है इंटरनल ऑर्गन्स को में भी, बहुत बार हमने जो जलन सी होती है, तो ये जो इन्फ्लामेशन होता है उसको भी कम करने के लिए प्याज और लहसुन काम में आते हैं। उसके बाद कैंसर के जैसी जानलेवा बीमारी जो है, उससे भी हम अपने शरीर को जो है इन दोनों भी घटकों को जो है अपने आहार में, अपने खाद रोज़ के खाने में अगर रख पाते हैं, तो हम कैंसर जैसी बीमारियों को से भी खुद को थोड़ा दूर रख सकते हैं। उसके बाद पेट का अल्सर, बहुत बार लोगों को अपचन या पेट में गैस होना, इस तरीके की मुश्किलें सामना करनी पड़ती है। तो प्याज और लहसुन का रेगुलर सेवन करने से ये मुश्किलें भी अच्छी स्तर पर जो है कम होती पाई जा रही है। उसके बाद
अस्थमा जो है, अभी हम देख रहे हैं कि ये अस्थमा का जो डिसीज़ है या ये जो बीमारी है तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक भी ये फैलती जा रही है और दिन ब दिन इसका आंकड़ा जो है जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये पाया गया है रिसर्च के माध्यम से कि अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने खाने में अगर प्याज और लहसुन का रेगुलर यूसेज करते हैं तो हम जो है खुद को अस्थमा से दूर रख सकते हैं। उसके बाद एक बात बहुत ज़रूरी है कि प्याज और लहसुन दोनों भी पदार्थों में जो है फैट और कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, तो हम इसमें अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है जमा नहीं होगा और फाइबर कंटेंट जो है प्याज और लहसुन का ज़्यादा होने के कारण हम अपने बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जमा होने से हम रोक सकते हैं। उसके साथ ही प्याज के और लहसुन के सेवन से अपने स्किन का भी हेल्थ बढ़ता है और हमारी इम्यूनिटी, जिसको हम रोग प्रतिकार क्षमता जो बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है, ये भी पाया गया है कि इन दोनों चीज़ों के सेवन से हमारे हड्डियों का जो है हेल्थ जो अच्छा बना रहता है। अब ये सवाल भी आपके मन में हो सकता है कि हम प्याज और लहसुन का सेवन कितना और कैसे करें, तो हमें समझना चाहिए कि एक प्रौढ़ व्यक्ति जो है 100 से 150 ग्राम तक प्याज हर दिन खा सकता है और उसी के साथ साथ लहसुन जो है 5 से 10 ग्राम तक लहसुन जो है वो कच्चे स्वरूप में जो है खा सकता है। तो ये भी बात जानना बहुत ज़रूरी है और ध्यान में रखना चाहिए कि जिस किसे डायबिटीज़, कैंसर या फिर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अपने डॉक्टरी सलाह के साथ ये जो इसका प्याज और लहसुन का सेवन कर सकते हैं। और मैं अवश्य आपको ये बताना चाहूँगा कि प्याज और लहसुन का अगर आपको हेल्थ के लिए कुछ बेनिफिट करवाना है तो आपको उससे जो है कच्चे रॉ फॉर्म में जो है खाने से ज़्यादा फ़ायदा हमको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं। अगली बार जब भी हम बात करेंगे तो विस्तृत एकदम डीप नॉलेज के साथ हम जो है इन चीज़ों पे और एक बार प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए आप जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95 स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस के तकनीकी प्रदर्शन में संस्थान DOGR का विशेष सहभाग। संस्थान के प्रदर्शनी कक्ष पर आकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव काले से प्याज एवं लहसुन की नई तकनीक के बारे में जानकारी ली। संस्थान के ABI सेंटर ने 28 जून 2023 को पलांदु FPCL बीजापुर कर्नाटक के किसानों के लिए प्याज में मूल्य श्रृंखला प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। संस्थान में प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था नासिक के माध्यम से जलगांव, नंदुरबार, नासिक के कृषि सहायकों को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण। सेमिंदा क्रॉप सिस्टम जलगांव महाराष्ट्र ने प्याज की दो किस्मों भीमा डार्क रेड और भीमा शक्ति के लाइसेंस के लिए संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। श्री शिव छत्रपति कॉलेज जुन्नर महाराष्ट्र ने PG और PhD छात्रों को अनुसंधान सहयोग के लिए संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। वसंतदा शुगर इंस्टीट्यूट मांजरी ने अनुबंध अनुसंधान परियोजना के लिए संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। पिछले सप्ताह में कर्नाटक के जिला बीजापुर से एक किसान श्रीमती शांति जी ने पूछा था कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्याज फसल में प्रबंधन कैसे करना है और कब करें। तो किसान मित्रों, रोपण के 45, 60 एवं 75 दिनों के बाद पत्तों पर 5 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव करें। किसान बंधुओं, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 8459715576। किसान भाइयों, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। संस्था के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले अंक में।
प्याज एवं लहसुन की कुछ नई जानकारी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय किसान, जय विज्ञान।